गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक क्रूर जंगली जानवर की तुलना में एक धोखेबाज और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक कपट्टी और धोखेबाज मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। केवल एक बुरा मित्र ही आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा सकता है जिससे आपको लगने लगेगा कि ये दुनिया बहुत बुरी है। जब आपको धोखा दिया जाता है, और केवल वही व्यक्ति धोखा खाता है जो दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन कुछ समय के बाद यह भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के प्रति अपनी आंखें, कान और दिमाग बंद कर लेते हैं। और तब ऐसी स्थिति होती है कि हमारा सबसे भरोसेमंद व्यक्ति ही हमें सबसे बड़ा धोखा दे देता है, कि हमारा संसार से विश्वास उठ जाता है और हम हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। वास्तव में हम किसी ना किसी को धोखा देते रहते हैं हमारे जीवन में कहीं ना कहीं, और लोग भी हमें धोखा दे रहे हैं। दूसरों द्वारा धोखा देना तो समझ में आता है, लेकिन हम खुद को वर्षों से धोखा दे रहे हैं। हम खुद को ऐसी चीजों के बारे में समझाते हैं ताकि हमें सच्चाई का सामना न करना पड़े और हम अपनी ही छोटी सी दुनिया में खोए रहे। धोखा या विश्वासघात दोधारी तलवार की तरह है। हमें लगता है कि हम दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन यह धोखेबाज तलवार सामने वाले की भी उतनी ही गर्दन काटती है जितनी भविष्य में हमारी। दोस्तों, आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हम धोखे और विश्वासघात से खुद को कैसे बचाएं, और वीडियो के अंत में हम 10 ऐसे संकेतों के बारे में जानेंगे जो एक धोखेबाज और झूठे व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। बहुत समय पहले की बात है, एक युवक बहुत गुस्से में था, पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो चिल्लाया कि यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है, यहां हर कोई इतना स्वार्थी क्यों है, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। उसी पहाड़ी की चोटी पर एक बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान में लीन था। उस युवक की तीव्र क्रोध भरी आवाज सुनकर वह व्यायाम से उठा। वह तुरंत समझ गया कि यह युवक यहां आत्महत्या करने आया है। वह आदमी पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि बौद्ध भिक्षु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींचते हुए कहा, क्या हुआ? युवक ने कहा, मैं यहां से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि एक दिन तो सभी को मरना है, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? युवक ने कहा, क्योंकि यह दुनिया रहने लायक नहीं है, यहां हर कोई स्वार्थी और धोखेबाज है। जिस पर मैंने भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया, मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो हद हो गई, मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दिया। वह एक अमीर बिजनेसमैन के साथ भाग गई। इतना धोखा खाने के बाद अब मेरा इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। स्वार्थी दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। बौद्ध भिक्षु बोले, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। आप चाहे तो मेरे गांव जाकर पूछ सकते हैं, लोग अक्सर मेरा फायदा उठाते हैं, और मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, तुम्हें मुझे यह साबित करना होगा कि तुम स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। व्यक्ति ने पूछा, मुझे यह साबित करने के लिए क्या करना होगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मैं अगले 1 साल तक अपने आश्रम में रखूंगा, तभी मुझे पता चलेगा कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो या तुम भी दूसरों की तरह स्वार्थी और धोखेबाज हो। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं 1 साल तक आपके साथ आपके आश्रम में रहूंगा और खुद को साबित करूंगा। बौद्ध भिक्षु उस युवक को अपने साथ आश्रम ले गया और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगली सुबह बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम फिर भी जाकर भिक्षा मांग कर लाओ, तब तक मैं आपके अन्य गुरु भाइयों को शिक्षा देता हूं। वह युवक गुरु को प्रणाम कर भिक्षा मांगने चला गया। आज से पहले उसने कभी भी भीख नहीं मांगी थी, इसलिए उसे भीख मांगने में बहुत परेशानी हो रही थी। उसके मुंह से भीख मांगने के लिए शब्द नहीं निकल रहे थे, उसका अहंकार उसे रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार जाग रहा था। मालिक को गलत साबित करने के लिए उसने भीख मांगी और वह भिक्षा लेकर वह स्वामी के पास लौट आया। उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा कि तुम कुछ तो भरोसेमंद हो, मैंने सोचा था कि तुम भीख नहीं मांग पाओगे,
लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मेरे साथ मेरी कुटिया में आओ, मैं तुम्हें वहां कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुरु शिष्य को अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले गए। झोपड़ी के ऊपर एक बर्तन लटका हुआ था। गुरु ने झोपड़ी की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम उस बर्तन को देख रहे हो? इसमें जहर है और जहर भी ऐसा कि अगर किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो व्यक्ति बहुत आसानी से मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। युवा शिष्य ने कहा, लेकिन गुरु आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? साधु ने कहा, मैं तुम्हें केवल चेतावनी दे रहा हूं कि गलती से भी इसे मत खाना। कुछ दिनों के बाद गुरु एक जंगल से गुजर रहे थे, तभी कुछ जंगली लुटेरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन वृद्धावस्था के कारण गुरुजी दौड़ने में सक्षम नहीं थे। यह उस युवा शिष्य को अनुभव हुआ और उसने वीरता का परिचय देते हुए अपने गुरु को डाकुओं से बचाया और आश्रम ले आया। आश्रम पहुंचकर गुरु ने सबके सामने शिष्य की बहुत प्रशंसा की और कहा कि मेरा नया शिष्य तुम सबसे बेहतर है, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई और मुझे यहां सुरक्षित पहुंचाया। अब मुझे उस पर विश्वास हो गया है। उस दिन के बाद से हर सुबह जब भी गुरु उस शिष्य से मिलते हैं तो उससे एक बात कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। धीरे धीरे गुरु का उस पर विश्वास हो गया, शिष्य बढ़ता गया और बात इतनी बढ़ गई कि गुरु ने एक दिन शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद तुम इस आश्रम की बागडोर संभालो। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, यदि आपकी यही इच्छा है तो आपकी खुशी की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। इतना कहकर शिष्य चला गया। कुछ दिनों के बाद गुरु बीमार पड़ गए तो उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और यह घोषणा कर दी कि मेरे बाद यह युवा शिष्य इस आश्रम को चलाएगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और उस युवा शिष्य के मन की बेचैनी बढ़ती गई। आश्रम पर जल्द से जल्द कब्जा करने की चाहत बढ़ने लगी। वह हर सुबह गुरु के पास दर्शन के लिए जाता, लेकिन गुरुजी का स्वास्थ्य दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था। अब उसके सब्र का बांध टूटने लगा, उसकी रातों की नींद हराम हो गई। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि गुरुजी को रास्ते से कैसे हटाऊं और किसी को पता भी नहीं चले। कभी कभी वह सोचता है कि गुरुजी को नदी में धक्का दे दूं, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि एक अच्छा तैराक वह तैरकर बाहर निकल आएगा। तो कभी कभी वह सोचता है कि मैं गुरुजी का गला घोंटकर मार डालूंगा। सबको पता है कि मैं गुरुजी का विश्वास पात्र हूं, इसलिए मुझ पर किसी को शक नहीं होगा। लेकिन फिर वह सोचता है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बात बिगड़ सकती है। मुझे कोई ऐसा रास्ता खोजना होगा जिससे गुरुजी की मृत्यु भी हो जाए और सभी को लगे कि यह स्वाभाविक मृत्यु है। एक दिन वह युवा शिष्य गुरु के पास उनकी कुटिया में बैठा था, तभी उसकी नजर ऊपर लटके बर्तन पर पड़ी। उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि इसमें जहर है और जहर भी ऐसा कि किसी को पता नहीं चलेगा। उसने सोचा यही सही रहेगा, मैं ये जहर गुरु को दे दूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मौत कैसे हुई और फिर पूरे आश्रम पर मेरा कब्जा हो जाएगा। अगले दिन उसने चुपके से वो जहर चोरी कर लिया और गुरु के भोजन में मिला दिया। गुरु ने रात्रि का भोजन किया और सोने चले गए, लेकिन जब सुबह हुई तो पूरा आश्रम जाग रहा था, लेकिन गुरु नहीं उठे। शिष्यों ने गुरु की कुटिया में जाकर देखा तो पता चला कि गुरु की मृत्यु हो गई। जब उस युवा शिष्य को इस बात का पता चला तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और आश्रम पर कब्जा करने का काम शुरू कर दिया। उसी आश्रम में गुरु का एक पुराना शिष्य भी था। वह पूरी घटना को चुपचाप देख रहा था। वह अपनी कुटिया में गया। वह वहां से एक दवा लाया और उस दवा को मास्टर को दिया। थोड़ी ही देर में मास्टर की चेतना लौट आई और वह बिल्कुल ठीक होकर बैठ गया। यह सब देखकर उस युवा शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बहुत घबरा गया। गुरु ने बाकी शिष्यों को अपने अपने काम पर भेज दिया और युवा शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा कि क्या तुम अब भी विश्वास करने के योग्य हो? क्या तुम मुझे धोखा नहीं देते? क्या आप स्वार्थी नहीं हैं? शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे नहीं पता कि मुझसे यह अपराध कैसे हो गया। मैंने आज से पहले किसी को धोखा नहीं दिया। लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे मैंने आज तुम्हें धोखा दिया। मालिक ने कहा कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते,
क्योंकि मैंने कभी तुम पर भरोसा नहीं किया। मैंने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। मैं केवल अपनी आंखों से जो देखता हूं उस पर भरोसा करता हूं, और मैं तुम्हारे अंदर लालच देख सकता हूं, और मैंने जानबूझकर तुम्हें यह लालच दिया था, क्योंकि इंसान किसी को धोखा देने के सिर्फ तीन ही कारण होते हैं, पहला स्वार्थ, दूसरा लालच और तीसरा ईर्ष्या। युवा भिक्षुओं ने गुरु से पूछा, लेकिन गुरु मैं अपने आप को स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या से कैसे मुक्त रख सकता हूं? गुरु ने कहा, अपने अंदर उतरने की कोशिश करो। इंसान में बहुत संभावनाएं हैं, वह कर सकता है। अपने लिए कुछ भी बनाओ, वह कुछ भी हो सकता है। और जब आप में बदलाव आए तो अपने अंदर झांके और जानने की कोशिश करें कि आप क्यों बदल रहे हैं, क्या यह बदलाव अच्छा है या बुरा। आत्मनिरीक्षण का प्रयास करें। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य ने फिर से उनके पैर पकड़ ली और बोला, गुरु जी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मैं कौन है और मैं क्यों बदलूं। गुरु ने कहा कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो इस बात का उदाहरण है कि उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उनका स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। व्यक्ति तभी धोखा देता है जब उसे लगता है कि वह जो कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा है, और भविष्य में यह बात किसी को पता नहीं चलेगी, और वह जो कर रहा है वह सही है। पकड़े जाने के बाद वह अपने बचाव के लिए और भी तर्क देता है कि मैं कुछ नहीं कर सका, यही आखिरी रास्ता था, मेरे पास मजबूरी थी। लेकिन हर धोखे के पीछे का सच यही है जो इंसान जानबूझकर अपने फायदे के लिए करता है। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, याद रखना, जब हम किसी को धोखा देते हैं हमने उसकी आंतरिक चेतना को चोट पहुंचाई, और वह इतनी बुरी तरह आहत हो जाता है कि वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाता। वह अंदर ही अंदर बहुत उदास और अकेला महसूस करने लगता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको धोखा न दे, इसलिए अपनी आंखें, कान और दिमाग खुले रखें। लोगों पर भरोसा करें, लेकिन बहुत ज्यादा भरोसा न करें कि वे आपका फायदा उठाना शुरू कर दें। हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण रखें और अपने जीवन की बागडोर कभी भी दूसरों के हाथों में न सौंपें, और समय समय पर खुद को जांचते रहें। जिस धोखे से आप बचना चाहते हैं, क्या आप भी वैसा ही धोखा किसी और के साथ कर रहे हैं? और अगर फिर भी कोई आपको धोखा देता है तो निराश न हो, क्योंकि धोखा खाने के बाद हर धोखा इंसान को कुछ ना कुछ सिखाता है। व्यक्ति पहले से अधिक सतर्क और सावधान हो जाता है। इसलिए केवल एक धोखे के कारण अपना जीवन बर्बाद न करें और इसे एक सबक के रूप में लें और आगे बढ़े। मास्टर ने कहा, ये एक धोखेबाज व्यक्ति के 10 लक्षण हैं, एक चालाक व्यक्ति के जो आपको धोखा दे सकते हैं और आपके मन की शांति छीन सकते हैं। निराशा के गहरे सागर में डूबकर वह आपकी जिंदगी खत्म कर सकता है। पहली निशानी, जो व्यक्ति झूठा होगा, धोखेबाज होगा, वह आपसे सब कुछ छिपाएगा। आप उसके बारे में दूसरे लोगों से जान लेंगे, और जब आप पूछेंगे तो वह कहेगा, जिसे वह उनके साथ काफी समय बिताने के बाद भी बताना भूल गए। आप उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे कि वह आपके बारे में क्या सोचता है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। आप इस बारे में हमेशा भ्रमित रहेंगे, क्योंकि वह आपसे सब कुछ छिपाएगा, क्योंकि वह एक सच्चा आदमी नहीं है। एक सच्चे आदमी को अपने बारे में बताने में कोई समस्या नहीं होती है, वह आपसे लगभग हर चीज साझा करता है। लेकिन एक धोखेबाज बहुत सावधानी से चलता है, इसलिए हमें इन पर ध्यान देना चाहिए। वह व्यक्ति जिसके साथ हम रिश्ते में हैं, जिसे हम अपनी जिंदगी सौंपने जा रहे हैं, जिसके साथ हम प्यार और विश्वास का सौदा करने जा रहे हैं, क्या वह अपनी पूरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह हमारे साथ साझा करता है या नहीं, या वह हमसे बातें छुपाता है, तो वह व्यक्ति बहुत बड़ा धोखेबाज है। दूसरी निशानी, जो व्यक्ति धोखेबाज है या जो हमसे सच्चा प्यार नहीं करता, वह कभी भी हमसे सच्चा प्यार नहीं करता, हमारी परवाह करता है, चाहे हम उसकी कितनी भी परवाह कर लें, उसके लिए कुछ भी कर लें, लेकिन उसे रत्ती भर भी परवाह नहीं होगी, और ये एक बार नहीं बार बार दिखेगा। लेकिन हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, ये हमारी गलती है। हमारे जादू के कारण हम देख नहीं पाते। सच्चाई हमारी आंखों के सामने भी है, अगर हम थोड़ा और सचेत होकर देखने की कोशिश करें तो यह हमारी गलती है, तब हमें पता चलेगा कि उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। तीसरा संकेत, जो व्यक्ति धोखेबाज है यह बहुत बड़ा झूठा भी है। उसके अपने शब्द खुद से मेल नहीं खाते,
उसकी जुबान बदलती रहती है। वह अपनी बात नहीं रखता, लेकिन हम उसके झूठ में फंस जाते हैं, इसलिए हम उसे नहीं पहचानते। चौथी निशानी, धोखेबाज व्यक्ति। हमारे सामने तो हमारी चापलूसी करेगा और हमारी तारीफ करेगा, लेकिन पीठ पीछे वह कभी हमारी तारीफ नहीं करेगा और हमारा सम्मान नहीं करेगा। चाहे हम उसके लिए मर भी जाएं, लेकिन वह कभी हमारी तारीफ नहीं करेगा। हम और कभी भी हमें उतना महत्व नहीं देंगे जितना हम अपने जीवन में देते हैं, क्योंकि वह एक दिन हमें धोखा देगा। इसलिए बेहतर होगा कि हम बहुत अधिक धोखा खाने से पहले सावधान हो जाएं। पांचवां संकेत, वे जो कहते हैं उस पर ध्यान न दें, बल्कि इस पर ध्यान दें कि वे आपके साथ क्या करते हैं। बात करना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, और ज्यादातर लोग इन्हीं बातों पर अटक जाते हैं। इसलिए चाहे वह आपसे कितनी भी बात कर लें, उससे कई वादे किए जा सकते हैं, लेकिन जब तक वह पूरा करके न दिखा दे। छठे संकेत पर भरोसा न करें। प्रेम संबंधों में अक्सर यह देखने को मिलता है कि कैसे एक धोखेबाज व्यक्ति अपने प्यार करने वाले को इस तरह अपने जाल में फंसा लेता है कि सामने वाला उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहता है, वह कहीं नहीं जा रहा है, यह उसके लिए यहीं रहेगा। वो न आदर करते हैं, न सम्मान करते हैं, और अगर सम्मान की भीख मांगी जाए तो अपमान ज्यादा करते हैं। अगर किसी रिश्ते में किसी से मिन्नत करनी पड़े, मुझे अपना समय देने के लिए मुझसे बात करो, तो इससे बुरा रिश्ता कोई नहीं हो सकता। जो आपसे सच्चा प्यार करेगा, वह खुद चाहेगा कि वह अपना ज्यादातर समय आपके साथ बिताए, जिससे आप समय की भीख मांगते हैं। समझ लें कि उसमें आपके लिए कोई प्यार नहीं है। सातवीं निशानी, उसके पास हर चीज के लिए समय होगा, लेकिन आपके लिए उसके पास कभी समय नहीं होगा। वह अपने जीवन में आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपको कभी भी छोड़ देगा। वह आपसे तभी बात करेगा जब वह चाहेगा, तब नहीं जब आपको उनकी जरूरत हो। वे आपकी जगह किसी और को ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। आठवां संकेत, वे कभी भी आपके प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होंगे कि हम आपके साथ हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपका समर्थन करेंगे, चाहे समय कोई भी हो। वे केवल अपनी शर्तों पर आपके साथ रहेंगे। जब भी वे सहज होंगे और अच्छा महसूस करेंगे, वे आपके साथ रहेंगे, और अगर इससे उन्हें थोड़ा सा भी दुख होगा तो वे चले जाएंगे, क्योंकि वे कभी भी अपनी शर्तों से बाहर नहीं आएंगे। आपके लिए कुछ भी करने के लिए आरामदायक क्षेत्र। नौवां संकेत, वे आपको हमेशा चोट पहुंचाएंगे, कभी कभी जानबूझकर, और कभी कभी उन्हें यह भी पता नहीं होता है कि वह आपको कितना चोट पहुंचा रहे हैं, और आपका दिल दुखता रहेगा। आप उस व्यक्ति के साथ खुश महसूस करेंगे जो आपसे सच्चा प्यार करता है। उसके साथ रहने से आपको यह महसूस होगा जैसे आप हवा में हल्के से उड़ रहे हैं, और अगर आप किसी धोखेबाज और गलत व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं, तो सब कुछ भारी और बोझिल लगेगा। ऐसा लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, अंदर से आवाज आएगी कि यह रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, और अगर आप इसे सुनकर भी नजरअंदाज कर देते हैं तो यह आपकी गलती है। दसवां संकेत, आप उनकी जिंदगी में कहीं नहीं है। उनकी जिंदगी में आपकी कोई खास जगह नहीं है। वे जब चाहें आपको आसानी से अपनी जिंदगी से बाहर कर सकते हैं, और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप उनकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं और उनकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो कुछ दिनों के लिए उनकी जिंदगी से गायब हो जाएं, वे जीत जाएंगे। बुरा मत मानना, इससे अच्छा है कि हमारी जिंदगी से समस्या दूर हो गई है। अब हम आजाद हैं और जो चाहें कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी रिलेशनशिप में हैं, ऐसे इंसान के साथ तो होश में आ जाओ और जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर आ जाओ। यकीन मानिए, ऐसे रिश्ते से बाहर आने के बाद तुम्हें शांति, सुकून और प्यार मिलेगा। और क्या दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है? यदि आप एक बुरे व्यक्ति को छोड़ देंगे, तो आपके जीवन में 10 अच्छे लोग आ जाएंगे जो आपको सम्मान और प्यार देंगे। और जब तक आप इस तरह के झूठे व्यक्ति के साथ हैं, तो आपको कोई अन्य अच्छाई दिखाई नहीं देगी लोग। लेकिन जैसे ही आप ऐसे धोखेबाज इंसान को छोड़ेंगे, तो आपकी जिंदगी में अच्छे लोग आना शुरू हो जाएंगे। एक और बात, आजकल लोग साथ वाले हैं जिन्हें रिश्ते में प्यार में धोखा मिलता है। वो कहते हैं कि प्यार जैसा कुछ नहीं होता, सब झूठ है, आजकल सब झूठ है। पर पूरा सच नहीं है। जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया है, वो प्यार का मतलब नहीं जानता। लेकिन आज भी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं
जो प्यार करना भी जानते हैं और निभाना भी जानते हैं। जिन लोगों को धोखा मिला वो अपनी तरफ से सच्चा प्यार कर रहे थे। प्यार ईश्वर का दिया हुआ उपहार है और यह दुनिया प्यार पर ही टिकी है। अगर कोई गलत इंसान आपके प्यार को नहीं समझ पाया तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस दुनिया में प्यार नहीं है। यह दुनिया प्यार से चलती है। यह सेलिब्रिटी डांसिंग की दुनिया उन्हीं की वजह से है जो प्यार करते हैं। और अंत में एक और बात दोस्तों, अगर आपको अपने परिवार के सदस्यों से धोखा मिलता है या आपको गलत समझा जाता है तो एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को बताएं और एक दूसरे को माफ कर दें। क्योंकि दोस्तों, आपको लोग बहुत मिलेंगे लेकिन आपको नहीं मिलेंगे। लोग आपके परिवार को पसंद करते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी। और हाँ, उनकी बात अलग है। जो लोग आपके परिवार से थोड़ा बाहर हैं, जैसे आपका दोस्त, दूर का रिश्तेदार या पड़ोसी, लेकिन परिवार के सदस्यों को माफ कर देना ही समझदारी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। धन्यवाद।